हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड हब। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी स्नैक्स, फलाफल बनाने जाएंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना इसे। यहाँ मैंने चना लिया है 1 कप, इसे रात भर भिंगाना है, 7 से 8 घंटा 9 घंटा। इसे पानी डाल के, हम नॉर्मल पानी डाल के इसे भिंगा लेंगे, रात भर छोड़ देंगे। इस तरह से ये फूल के रेडी हो जाएगा। इसमें हम ग्राइंडर में डाल लेंगे, इसमें एक प्याज बड़ा डाला है चॉप करके। इसे हम डालेंगे धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी काली मिर्ची की पाउडर। यहाँ लहसुन की कलियाँ ली हैं मैंने, 5 कलियाँ ली हैं, और थोड़ा सा धनिया पत्ती लिया है। इसे हम पीस लेंगे, पीस के हम निकाल लेंगे अपने बाउल में। इस तरह से अच्छे से पीसना है बिल्कुल। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा नींबू का रस और थोड़ा ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल डालने से थोड़ा क्रिस्पी बनती है हमारे फलाफल। इसे मिला लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसमें थोड़ा मैदा ऐड कर देंगे, करीबन ये 1/2 कप है, थोड़ा सा बचा लेंगे, फिर देख लेंगे हिसाब से हमारा अगर फलाफल अच्छा बनता है ठीक है, तो अदरवाइज इसमें मिला सकते हैं। यहाँ मैंने तेल गरम किया है, हथेली पे तेल लगा के इसे छोटे छोटे बड़े बना लेंगे इस तरह से। और ये हम गरम तेल में छोड़ देंगे, मीडियम हाई होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं ज़्यादा तेज़ भी नहीं। इसे फ्राई कर लेंगे, इसको पलट दें एक बार तरफ से फ्राई हो जाए, तो दोनों तरफ से अच्छा फ्राई कर लेंगे हम इसे। चाहे तो आप टिक्की को आप सेक भी सकते हैं फलाफल को, अगर आप फ्राई ना करना चाहें तो। इसे निकाल लेंगे हम एक टिश्यू पेपर पे। अब फलाफल रेडी है। इसे हमस के संग में या चटनी के संग में सर्व कर सकते हैं, वैसे ये हमस संग में ही खाया जाता है। एंड अगर आपको पसंद आई हमारी रेसिपी तो थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।